हेलो, हम आज आपको जगह दिखाने वाले हैं। इसको नाम है निसिंगो देवतला, और इसको साथ जो ईपिक जो स्टोरी है उसका साथ एक कुछ रिलेटेड है। यहाँ जो हम लोग निसिंगो देव के बारे में जानते हैं ना, जो प्रहलाद जो था उसका भक्त, उसका जो डैड था वो बहुत ही क्रूर था, और उसको मारने के लिए जो उनका वरदान था, जो कोई ना आदमी मार सकता है ना कोई जानवर मार सकता है। तो जब विष्णुदेव ने आधा लायन और आधा ह्यूमन का रूप लेकर आया, उसका बाद उसका वध किया। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है, उसका वध करने के बाद नृसिंहदेव ने थोड़े गुस्से में था, तो वहाँ उसने, यहाँ पास में एक तालाब है, यहाँ उस जगह पर वो बैठने से उसका जो क्रोध था वो निकलने से वो तालाब तैयार हुआ है। और यहाँ ये इस्कन मायापुर से काफ़ी नज़दीक है, जो लोग इस्कन मायापुर घूमने आते हैं वो यहाँ आकर घूम कर जाते हैं। और आप लोग भी अगर इस्कन मायापुर आते हैं तो ये जगह घूम कर देखो, आपको शायद अच्छा लगेगा। और इस जगह में कुछ अलग सा एक क्या कहूँ, मेंटल स्पीस आ जाता है आने से। ये हमारे घर के नज़दीक होने से हम लोग काफ़ी बार यहाँ आते और घूमते भी है। ये पूरा इसका टेंपल है, इसका पास जो पेड़ है वहाँ जो मन्नतें मांगते हैं वो वहाँ उस पेड़ में मन्नतें मांग कर जाते हैं, और पूरा होने पर यहाँ आकर वो पूरा करके जाते हैं। ये वही तालाब है जिसको बारे में आपको थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया था। यहाँ काफ़ी सारे मछली भी होता है जो लोकल मार्केट में छोड़ा जाता है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ काफ़ी आज ठंड भी है, आपको शायद या जो वेदर है वो देख कर समझ में आ रहे। पास में कुछ लोग पिकनिक वगैरह भी करने आते हैं, ये एक दिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। और यहाँ जो आने जाते हैं आपको पहले कृष्णनगर आने पड़ेगा सियालदह से, उसका बाद कृष्णनगर से निसिंगो देवतला बोलकर किसी भी बस या कोई कार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे।